खेत में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसी ही घटना बीती देर रात थाना कोतवाली से महज 300 मीटर की दूरी पर घटी है। जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, यह तस्वीरें इस नदी पुल के पास LIC भवन और समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक सामने बने माँ पूर्णा देवी कार डेकोरेशन कार वर्कशॉप गैराज की है। यहाँ बिखरा पड़ा सामान और कटे पड़े गैस बिल्डिंग के है पाइप यहाँ हुई चोरी की घटना की गवाही दे रहे हैं। यहाँ बीती देर रात अज्ञात चोरों ने जमकर तांडव मचाया है। चोर यहाँ से कार से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण पार्ट्स ले गए हैं। यहाँ यह पहली घटना नहीं है बल्कि अभी 10 दिन पूर्व भी इसी गैराज से सटे दूसरे गैराज में भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए महत्वपूर्ण सामान को चोरी किया था। वही एक माह पूर्व भी इसी गैराज में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। कोतवाली पुलिस को घटनाओं की जानकारी भी दी गई, लेकिन उसके बाद भी पुलिस की ओर से यहां कोई चौकसी नहीं की गई, जिससे चोरों के हौसले लगातार बुलंद है। चोर चोरी की वारदातों को बड़ी आसानी से अंजाम दे रहे हैं। कार वर्कशॉप गैराज के मालिक नीरज कुमार ने बताया है कि लगातार चोर यहां चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे यहां लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहां के व्यापारी डरे और सहमे भी हैं। नीरज शर्मा, यहां काय का काम होता है? यहां डेंट पेंट का, इंजन का भी दोनों काम होते हैं। क्या हुआ रात में? यहां पे मतलब किसी चोर ने वारदात दे दी। यहां पे क्या, यहां तो रहने के रात में भी शराबी रहते ही है पूरा। मतलब तुम आपके यहाँ से क्या क्या चोरी गया? मेरे यहाँ से मतलब गैस बिल्डिंग वाली बाती और घड़ी उसकी और हेड स्कॉर्पियो को वायरिंग बैन की मतलब बहुत आइटम चले गए। अब चेक कर रहे हैं क्या क्या गया हुआ है। पहले भी कभी कोई ऐसी घटना हुई? तीन बार और भी मतलब लगभग आज से लगभग एक महीना पहले एक बार फिर बाती आती, बाती भी चोरी हुई थी और भी सामान चोरी हुआ था। इधर ऐसी वारदातें चलती रहती हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ।